पॉडकास्ट आपका डेली फटाफट न्यूज चैनल पर आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बतला देंगे, गुजरात के पंचमहल जिले के गोगंबो में स्थित गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड यानी GFL के अंदर एक विस्फोट के चलते भयंकर आग लग गई। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत और 15 लोगों के गंभीर होने की खबर है। जिले के पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 10 बजे एक विस्फोट की पुष्टि करी गई। पुलिस ने इसको लेकर जानकारी दी कि विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। जी हाँ, आपको बता दें हादसे को लेकर सामने आए वीडियो में आसमान की तरफ धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। इस गुब्बारे में आग की लपटें भी ऊपर की तरफ जाती दिख रही थी। आगे लगने की वजह से आशंका जताई जा रही है कि इसमें कई लोगों की जान जा सकती है। बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए मौके पर हालोल कलोल और गोधरा में निजी कंपनियों सहित जिले भर से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। जी आपको बता दें कि शुरुआती जानकारी में पंचमहल जिले में की पुलिस अधीक्षक लीना पाटिल ने कहा कि मौतों की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि विस्फोट में घायलों लोगों की संख्या की पुष्टि करना बाकी है। अनुमान है कि इसमें कम से कम 13 या 14 और लोग गंभीर हैं। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक 15 लोगों की गंभीर की स्थिति बताई गई थी। जी हाँ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दमकल अधिकारियों की टीम यह पता लगा रही है कि परिसर के अंदर कहीं कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं। विस्फोट की प्रकृति से जुड़ी अधिक जानकारी जुटाई जा रही थी। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गंभीर रूप से घायल कम से कम 3 श्रमिकों के हलोल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जी हाँ आपको यही बता दें कि गौरतलब है कि गुजरात फ्लोरो केमिकल्स लिमिटेड एक भारतीय रसायन कंपनी है जिसके पास फ्लोरीन रसायन विज्ञान में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव। कंपनी फ्लोरो पॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटीज, रेफ्रिजरेटर्स और रसायनों में डोमेन विशेषज्ञता रखती है। बता दें कि जिस संयंत्र में विस्फोट हुआ वह भारत में GFL का अकेला सबसे बड़ा रेफ्रिजरेंट संयंत्र।